कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजधानी दिल्ली में है। यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें राहुल के लिए उचित सुरक्षा की मांग की गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जैसे ही यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची, उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी और दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने और उनके चारों ओर सुरक्षा के घेरे को मेंटेन करने में असफल रही। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। दिल्ली पुलिस नाकाम रही। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पत्र में लिखा गया कि प्रत्येक नागरिक को पूरे भारत के क्षेत्र में घूमने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें कहा गया है, भारत जोड़ो यात्रा देश में शांति और सद्भाव लाने के लिए एक पद यात्रा है। सरकार को बदले की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यात्रा को बदनाम करने की हो रही है साजिश। वही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इसे बाधित करना चाहते हैं, वे अपनी पुलिस अपने मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने दो दो प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे, ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को परेशान करने के लिए IB के लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यात्रा में लोगों को शामिल होने से रोका जा रहा है, एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, कई बड़ी हस्तियों को भी यात्रा में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। कहां हुई राहुल की यात्रा में चूक? वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। आखिर किसके इशारे पर दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी की सुरक्षा में भारी चूक हुई? ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सड़क पर चल रहे हैं, उनके आसपास काफी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।